بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وارن و قطم لسانی کو اور ایک بارے بچوں میں کرتے ہیں کہ آپ سارے خیریت سے ہوں گے آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے چینل کے اوپر شہروز عبداللہ کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے ڈاکٹر اکیڈمی کا لوگو بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ ساتھ آج ہم لوگوں نے فرسٹ ایئر فزکس میں چیپٹر نمبر 5 کا ایک ٹاپک ہے دیٹ از اینگولر مومنٹم اینڈ ٹارک یہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے اور اس کے لیے تھوڑی سی ڈیرائیویشنز کرنی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اینگولر مومنٹم کیسے ہے अगर आपको याद हो आपने लीनियर मोमेंटम को कैसे डिफाइन किया था आपने कहा था द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी यही कहा था द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी उसको लीनियर मोमेंटम कहते थे लेकिन हम तो लीनियर मोमेंटम नहीं डिस्कस कर रहे हम तो एंगुलर मोमेंटम डिस्कस कर रहे हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे आप यू डिफाइन करेंगे कि द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर motion in a body called angular momentum usko hum log kya kehte hain ji usko hum log angular momentum kehte hain yaad rakhiye angular momentum ko aap kisse represent karte hain it is represented by p sorry it is represented by l kisse represent kiya jata hai l अब लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का आपस में एक रिलेशन है द रिलेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम क्या है पहले हम जरा वो लिखते हैं देखिए द रिलेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम द रिलेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम is equal to that is L is equal to R cross P L is equal to R cross P ये हमारे पास P क्या है P linear momentum को show कर रहा है और L क्या है angular momentum को show कर रहा है अच्छा अब आपको मालूम है कि जब इस cross को हम remove करते हैं तो sine theta लगाते हैं R P sine theta सही हो गया आपको मालूम है कि P equal to M v होता है p equal to m v के बराबर होता है तो यहां पर p की वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूं तो l equal to p की जगह पर m v into sin theta आ जाएगा सही हो गया याद रखें कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमेशा जो सर्कुलर पाथ में बॉडी रोटेट कर रहा होता है या रोटेशनल पाथ में रोटेट कर रहा होता है तो जो मोमेंटम है वो ऑलवेज टेंजेंशियल होता है क्या होता है टेंजेंशियल टेंजेंशियल वर्ड आपने पहले भी सुना होगा टेंजेंशियल 90 को कहते हैं किसे कहते हैं 90 को कहते हैं ठीक है आप कहेंगे कि सिंस मोमेंटम इज ऑलवेज टेंजेंशियल मींस 90 to the circumference of circle ठीक है r rotational path कह रहे जो भी कहना चाहते हैं और rotational path ठीक है as that theta की वैल्यू आपने कितनी लेनी होगी 90 लेनी होगी as that theta हमारे पास कितना आ जाएगा 90 degree आ जाएगा ठीक हो गया ये हो चुका है आपको मालूम है कि v equal to r omega होता है सही है ना आप लिखेंगे कि सिंस v इक्वल टू r ओमेगा होता है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ये रिलेशन था ना ठीक है चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार 1 का नाम दे देता हूं ये क्या है जी हमारे पास रिलेशन व्हिच इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड angular velocity relation between linear and angular velocity ठीक है तो इससे आ जाएगा l equal to r
एम वी की जगह क्या लग जाएगा आर ओमेगा लग जाएगा और साइन 90 से क्या आता है 1 सही हो गया। अच्छा अब जरा देखें इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे तो इससे आ जाएगा एल इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। आपको मालूम है कि अभी अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो इक्वेशन निकाली थी एम आर स्क्वायर को हम क्या कहते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते थे तो हम लिखेंगे कि हमें मालूम है कि I is equal to m r square होता है तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा तो ये हो जाएगा I into omega। सही हो गया। अब गौर से देखिए ये तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया इसका एंगुलर मोमेंटम का ठीक है और ये हमने एक रिलेशन निकाल दिया एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। अब जरा देखिए ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी तो वैसे भी कांस्टेंट होती है ठीक है ये हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग एंगुलर मोशन ठीक है ड्यूरिंग एंगुलर मोशन ठीक है ड्यूरिंग एंगुलर मोशन ओमेगा इज कांस्टेंट ओमेगा क्या होता है जी वो कांस्टेंट होता है। सही हो गया। अच्छा आगे चलते हैं अब हमने एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया है अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे फॉर अ रिजिड बॉडी ठीक है फॉर रिजिड बॉडी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। सही हो गया। अच्छा मोमेंट एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसके लिए डेरिवेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिजिड बॉडी किसी भी रिजिड बॉडी के लिए हम लोग किस तरह कर सकते हैं। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि रिजिड बॉडी कहते किसे हैं रिजिड बॉडी कहते किसे हैं वो बॉडी जिसके ऊपर फोर्स लगाने से इनसाइड जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज डिक्रीज ना हो कांस्टेंट रहे या फिक्स्ड रहे ऐसे बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं सॉलिड बॉडी इररेगुलर शेप्ड बॉडी समझ रहे हैं आप ऐसा बॉडी जिसके ऊपर बाहर से आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद जो इनसाइड पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का आपस में डिस्टेंस कम ज्यादा नहीं होता वो फिक्स रहता है ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं ठीक है। चलें कंसीडर आपके पास मैंने एक बॉडी कंसीडर कर ली कंसीडर मेरे पास एक इररेगुलर शेप की इस तरह बॉडी है चलें मैं कहता हूं कि ये इसका सेंटर है। सही हो गया। अब इस बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं बहुत सारे पार्टिकल हैं चलें ये फर्स्ट पार्टिकल है m1 मास है इसका चलें ये सेकंड पार्टिकल है m2 मास है इसका ये थर्ड पार्टिकल है मैं कहता हूं कि चलिए जी दिस इज थर्ड पार्टिकल और भी बहुत सारे पार्टिकल हैं चलिए जी दिस इज लास्ट पार्टिकल mn लास्ट पार्टिकल mn। देखिए अब इस सेंटर का पहले वाले बॉडी से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r1 सेंटर का दूसरे वाले बॉडी से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r2 सेंटर का तीसरे वाले बॉडी से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी r3 सेंटर का लास्ट वाले पार्टिकल के साथ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा rn क्या होगा rn होगा। चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं ना पहले बॉडी या पहले पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हैं फिर सेकंड पार्टिकल के लिए फाइंड करते हैं फिर थर्ड पार्टिकल के लिए फिर लास्ट पार्टिकल के लिए ठीक है। फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम फॉर ईच पार्टिकल फाइंडिंग एंगुलर मोमेंटम फॉर ईच पार्टिकल हर पार्टिकल के लिए फाइंड करते हैं ठीक है। तो पहले पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा एल वन इक्वल टू आई किसके इक्वल था एम आर स्क्वायर के इक्वल था तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा तो वैसे भी कांस्टेंट है ओमेगा तो वैसे भी नहीं चेंज होता एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है l2 क्या आ जाएगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा l3 क्या आ जाएगा m3 r3 स्क्वायर ओमेगा सिमिलरली कैरीज ऑन आपके पास ln क्या आ जाएगा mn
आर एन स्क्वायर ओमेगा, ऐसे आ जाएगा एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। सिमिलरली अब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जी, नाउ टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपके पास, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है आप लिखेंगे एल टी इज इक्वल टू सिग्मा आई स्टार्ट फ्रॉम वन टू एन एम ऑफ आई आर ऑफ आई होल स्क्वायर और साथ में ओमेगा क्या आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये सिग्मा जो है ये समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन को और सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही हो गया। और ये i जो है ना इट इज एनी आर्बिट्ररी नंबर, ये i क्या है एनी आर्बिट्ररी नंबर है। चले i की वैल्यू मैं अगर 1 पुट कर लेता हूं तो ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, पहले वाले बॉडी का पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। i की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो सेकंड वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, i की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो थर्ड का, अगर i की वैल्यू n पुट करूंगा तो लास्ट वाले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास समेशन फॉर्म है या नेट फॉर्म है जिससे हम लोग पार्टिकल जितने भी पार्टिकल्स बॉडी के अंदर मौजूद हैं उन सब का एंगुलर मोमेंटम हम लोग बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आज का टॉपिक दैट इज एंगुलर मोमेंटम इन डॉट। सो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक सर्च बार पे लिखिए शहरोज अब्दुल्ला हैदराबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा पेज आ जाएगा, उसको फॉलो कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा, अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जाइए और सर्च बार पे लिखिए शहरोज अंडरस्कोर अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, मेरे चैनल पे भी मौजूद है 03979793173 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, फिजिक्स में कुछ भी समझना है, जरूर हमसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। अपना आपने का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।